से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे ईसा मसीह को गेत्सेमनी वाटिका में गिरफ्तार कर पलटन ने मसीह को प्रधान याजक कैफस के घर में पहुंचाया। हमें मालूम है मसीह को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले अन्नस के घर में, इसके बाद उस साल का प्रधान याजक कैफस के घर में, इसके बाद पिलातुस और उसी प्रकार हरोद के घर में महल में लेकर के गए थे। इन बातों को हम एक क्लास के रूप में आज मनन चिंतन करेंगे। इससे पूर्व में हम लोगों ने 15 क्लास में ईसा मसीह स्वयं चल करके या मां मरियम के गर्भ में रहकर ईसा मसीह कई घरों में गया है, डिवाइन विजिट्स जिसे हम कहते हैं। आज मसीह को गिरफ्तार कर हाथ पर बांध कर उन्हें घसीट घसीट करके लेके आया है प्रधान याजक के महल में, और वहां पर प्रभु ईसा मसीह का किस प्रकार अपमान निंदा कर रहा है और वहां पर क्या क्या घटनाएं हुआ उस पर थोड़ा मनन चिंतन करना उचित है। हम चारों सुसमाचार में इसके विषय में पढ़ सकते हैं प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग, किस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार किया और पिलातुस ने उन्हें क्रूस दंड दिया, कोड़े मारने का आदेश दिया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे पूर्व में गिरफ्तार करने के बाद महासभा हुआ। यहूदी महासभा रात्रि के समय पर नहीं होता था, लेकिन ईसा मसीह के लिए उस दिन रात्रि के समय पर महासभा इकट्ठा हुआ। प्रधान याजक के घर पर ये घटना होते हैं। वहां पर सभी महायाजक और प्रधान याजक सब इकट्ठे थे, लोग इकट्ठे हो गए और कुछ झूठे गवाहों को इस्तेमाल करने का प्रयत्न भी किया ईसा मसीह के विरोध में, उनको मार डालने के लिए राजद्रोह का और ईश निंदा का जो बातें प्रभु के ऊपर डालने लगे, इसके लिए झूठे गवाहों को उन्हें इस्तेमाल करते रहे और देखा परस्पर विरोधी बातें ये गवाह लोग कह रहे थे, इसलिए वहां पर वो स्थापित नहीं कर पाया। आखिरी में एक चाल के रूप में प्रधान याजक स्वयं ईसा मसीह से एक सवाल करते हैं। सवाल ये है, क्या तुम मसीही हो, ईश्वर का पुत्र हो? ये सवाल प्रधान याजक स्वयं करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 61 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं और 62 के अंदर ईसा मसीह ने उत्तर दिया, हां मैं वही हूं, अर्थात मैं मसीह हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इतना ही नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने आगे कहते हैं, मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों में आता हुआ तुम लोग देखोगे। तब महायाजक बोलने लगे, अभी हमें कोई गवाह का जरूरत नहीं, हम सबों ने सुना ये यीशु निंदा किया। ईसा मसीह ईश्वर करके वे स्वीकार नहीं किया।
ईसा मसीह मसीह है, पाप मुक्ति के लिए आया। ये यहूदी महायाजकों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वे ईसा मसीह के ऊपर यीशु निंदा का दोषारोपण करता हुआ और राजद्रोह का निंदा करता हुआ उन्हें क्रूस दंड देने का मांग करते हैं। इसके बाद पिलातुस के पास लेकर जाकर के बताते हैं। पिलातुस उनमें कोई ऐसा दोष नहीं पाया, इसलिए कोड़े मार करके छोड़ना चाहता था। और इसके बाद भी वो चिल्लाते रहे, इन्हें क्रूस दो, तब क्रूस दंड देते हैं। पिलातुस कैसे भी बचने के लिए वो हेरोद के पास भी भेजते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का राजा के रूप में हेरोद है और हेरोद न्याय करने दो बोल करके। लेकिन हेरोद भी इनमें कोई ऐसा जो गलती नहीं पाया है, गलती ना पाने के बावजूद भी ईसा मसीह को क्रूस दंड देते हैं। अभी यहां प्रधान याजक के घर में कुछ घटना हुआ, उसके ऊपर और मनन चिंतन करना जरूरी है। हम लोगों ने देखा, सबसे पहले झूठे गवाहों को उन्होंने इस्तेमाल करके देखा, नहीं हो पाया, इसलिए प्रधान याजक स्वयं एक षड्यंत्र रचते हुए उनसे सवाल करते हैं, क्या क्यों मसीह है? मसीह ने जब स्वीकार किया तब प्रधान याजक और अन्य याजक जो गण जो लोग हैं वो सब ईसी निंदा करते हैं बोल करके प्रभु के विरुद्ध में बोलने लगे। इसके बाद ईसा मसीह स्वयं स्वीकार करते हैं, हाँ मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीह हूं। इसके बाद पांचवा एक घटना के रूप में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, वहां पर लोगों ने और मसीह को थप्पड़ मारते हैं, उनके मुंह पर थूकते हैं, अपमान निंदा करते हैं। और सिपाही लोग भी यही सब कर किया है, कांटों का मुकुट पहनाया था, मुंह पर थूका था और उनके हाथ में सरकंडा दिया और उनका प्रणाम करते हुए उनके खिल्ली उड़ाया, राजा यहूदियों का राजा बोल कर करके। तो उनका अपमान निंदा प्रभु ईसा मसीह सब कुछ सहन करते हैं। और उससे बढ़ करके एक और घटना है, पेत्रुस भी प्रधान याजक के जो फाटक के अंदर तो गुस्सा था, दूर दूर खड़े होकर के मसीह के ऊपर जो अत्याचार चल रहा था, अपमान चल रहा था, जो कुछ हो रहा था उसको दूर दूर से देखने वाला पेत्रुस और कुछ लोग उनको पहचानते हैं। बार बार पेत्रुस उसका मना करता गया, एक नौकरानी के सामने वो घुटना टेकते हैं, मैं से जानता तक नहीं बोल करके मसीह का तिरस्कार करते हैं। लेकिन बाद में पेत्रुस फूट फूट कर रोने वाला जगह भी वहां पर है, क्योंकि अपने गुरु के निंदा किया, उसके विरोध में साक्ष्य दिया, इस कारण पेत्रुस वहां फूट फूट करके रोते हैं। तो ये सब घटना है प्रधान याजक के घर में हुआ। अन्य घर में और इस घर में फर्क ये है, अन्य घरों में प्रभु स्वतंत्र रूप से कार्य करते गए, यहां पर प्रभु बंधा हुआ था, यहां पर प्रभु के ऊपर अपमान निंदा चल रहा था। आज हमें ये मनन चिंतन करना है, मेरे घर में प्रभु का स्वागत मैं कैसे करता हूं? क्या प्रधान याजक के उस महल के समान है मेरा घर, या अन्य जो घरों में प्रभु का स्वागत हुआ उसी प्रकार है? रोमियों का पत्र अध्याय 1:21 में लिखा है, ईश्वर को जानते हुए उसका समुचित आदर नहीं देना, सम्मान नहीं देना, उनकी प्रार्थना नहीं करना, भक्ति नहीं करना, ये हमारा पाप है। प्रभु का जितना धन्यवाद देना चाहिए, जितना आराधना स्तुति करना चाहिए, यदि हमारे जीवन में नहीं होता हम पाप करते हैं। प्रभु का आदर सम्मान मेरे घर में किस प्रकार होता है? क्या मेरा घर प्रतिदिन सब लोग मिलकर के एक घंटे का, कम से कम एक घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? हमारे घर से कितने लोग प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं?
हमारे घर में कितने लोग योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अर्थात बार बार पाप स्वीकार करने के बाद आदर भक्ति के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं। हम अपने जीवन में बाइबल कितना समय तक पढ़ते हैं प्रतिदिन, और बाइबल के वचन के अनुसार कितने अधिक जो इच्छा के साथ जीवन जीते हैं, हमें यह सब मनन चिंतन करना है। आज प्रधान याजक के घर पर हुआ अपमान के विषय में हम लोग मनन चिंतन किया, वो प्रधान याजक का घर कहीं मेरा घर तो नहीं है, मेरा घर आज लड़ाई झगड़ा का घर या गाली गलौज निंदा करने वाला एक बाजार जैसे तो नहीं बना, या मेरा घर आज दारू बनाने वाला, दारू बेचने वाला या दारू का पार्टी चलाने वाला, दारू पीने वाला ऐसा जगह, शराब पीने वाला जो दुकान जैसे कहीं बना तो नहीं है। मेरे घर आज पाप का व्यभिचार करने का जगह तो नहीं बना, व्यभिचार का घर। याद कीजिए, मेरा घर हो सकता है आज फिल्म थिएटर के समान बना हुआ हो। किस प्रकार मैंने मेरे घर को आज बना कर रखा है? क्या मेरे घर प्रार्थना का घर है? मेरे घर में प्रभु की बातें चलता है, प्रार्थना चलता है, गीत चलता है प्रभु के लिए? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सास ससुर, जीवन साथी सब मिलकर के प्रार्थना करता है? कितना आदर सम्मान हम देते हैं? कहीं प्रधान याजक के सामने मसीह को गिरफ्तार कर बांध करके लेके आया, इसी प्रकार बपतिस्मा प्राप्त हम लोग भी मसीह को बांध करके तो नहीं डाला हुआ? अनेकों लोग मसीह विरोधी कार्य करते हैं। मसीह प्रेम का प्रतीक है, क्षमा का प्रतीक है। हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, आदर नहीं, क्षमा नहीं, सहन नहीं, हम मसीह का प्रतीक नहीं, मसीह को बांध कर रखा है। मसीह ने कहा, इन नन्नों में से किसी एक के लिए तुम जो कुछ करता है मेरे लिए करता है। क्या कहीं हम इस प्रकार मसीह को बांध कर तो नहीं रखा अन्य लोगों को, गरीबों को, अनाथ विधवा का आदर सम्मान नहीं, उनका अपमान निंदा करता हो? किस प्रकार हम मसीह को बांध कर रखा है, मान सम्मान नहीं दे रहा है? हमें मनन चिंतन करना है। मेरा घर प्रार्थना का घर बनेगा, मसीह का आदर सम्मान सम्मान होगा, पुरोहितों का, धर्म बहनों का आदर सम्मान होगा। कई लोग पुरोहितों से झगड़ते हैं, चर्च के खिलाफ जाते हैं, आजकल कलीसिया तोड़ते जा रहा है, अपना मर्जी सारे, यहां ये है वो है बोल करके अपना ग्रुप बनाना, गुट बनाना। जो कैथोलिक कलीसिया, जो सच्चा कलीसिया, मसीह का जो कलीसिया, मसीह का शरीर है, उससे अलग हो करके, उसको टुकड़ा कर करके अलग तो नहीं रह रहा है? किस प्रकार हम मसीह को इस प्रकार बांध कर रखा है, अपना तरीके से बना कर रखा है? हमें आज इस पर मनन चिंतन करना है, उस बंधन से हमें बाहर निकलना है। मसीह हमारे लिए जो मुक्तिदाता ईश्वर है, हमारे जीवन का नाद, हमारे घर का गुरु, सब कुछ बना करके निरंतर प्रार्थना भक्ति मसीह का नाम लेकर के, यीशु यीशु नाम लेकर के चलने वाला और मसीह के वचन के अनुसार जीने वाला हमें परिवार बनना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने घर को समर्पित करें। हमारे माता पिता, सास ससुर, घर के सब बुजुर्ग लोगों को याद करें, हमारे जीवन साथी, बच्चे, जो कोई है, सबों को याद करें और एक निर्णय करें, मेरा घर प्रार्थना का घर बनेगी। यहां नशा नहीं, यहां अन्य पाप नहीं, यहां लड़ाई झगड़ा नहीं, यहां क्षमा होगा, सहन होगा, प्यार होगा, प्रार्थना होगा, वजन बढ़ने वाला, वजन के अनुसार जीने वाला, परिवार मिलकर के प्रार्थना करने वाला, परिवार मिलकर के चर्च जाने वाला, मिस सब बलिदान में भाग लेने वाला,
प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करने वाला परिवार, इस प्रकार मान सम्मान देने वाला परिवार बनेंगे। प्रभु का अपमान करने वाला, थूकने वाला, निंदा करने वाला और मेरे जीवन के कारण अन्य लोग मसीह के विरोध में ना बोले। देखो ये मसीह को देखो, ईसाई व्यक्ति है उसका जीवन देखो, नशा कर पाप कर लड़ाई झगड़ा कर हत्या कर क्या क्या अपराध नहीं कर रहा है। मेरे कारण अन्य लोगों के सामने मसीह का किल्ली नहीं होगा। निर्णय कीजिए, मसीह के समान जिएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।